फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर बिल्कुल फ्री में, यानी कि फ्री मतलब फ्री। और यहां पे 1000, 2000, 5000 नहीं, 10000 नहीं, 20000 नहीं, यहां पे आप 60,000 रुपीज का पैसा क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर भी कर पाओगे। साथ में यहां पर आपको एडिशनल बेनिफिट भी होने वाला है, जिसमें आप 500 से 600 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए तक का एडिशनल बेनिफिट भी यहां पर आप कमा सकते हो। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे प्रूफ के साथ आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो आप लोग लास्ट तक पूरा देखिएगा। पहला महीने के पहला मतलब इस महीने के पहले तारीख है, तो भैया हर महीने स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ढूंढते हैं कोई एक वीडियो ऐसा मिल जाए जिसमें हमें फ्री में क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करने को मिल जाए। कुछ लोग बोलते हैं भैया हमें हमारी कॉलेज की फीस देनी है, या कुछ भी इमरजेंसी हो सकता है जिसमें चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करना। तो आपने एक सही वीडियो पर क्लिक किया। इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका भी पैसा क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर बिना किसी चार्ज के जो प्रोसेस बताया उसमें हो जाता है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। देखो, मैं क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करने वाला हूँ, उसके लिए आपको ऑफिशियली एक पेटीएम का ऑफर है उसके बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप 60,000 रुपीज का क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के देखो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपके साथ लगाते रहूंगा। सबसे पहले ऑफर वाले सेक्शन पे आपको जाना है। यहाँ पर बिल पेमेंट ऑफर वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको एक ऑफर देखने को मिलेगा, पे ट्यूशन फी एंड गेट 500 रुपीज। अब ये ऑफर क्या है, यहाँ पर बेसिकली आपको 20,000 या उससे लेकर के 50,000 के बीच, तो मतलब 20,000 ही करेंगे क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन केवल काउंट कराना है। तो 20,000 रुपए के ट्यूशन फी पेमेंट करना है, और यहाँ पे रेंट पेमेंट नहीं है, ट्यूशन फी पेमेंट है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। पहला पेमेंट करेंगे 20,000 रुपए का, तो आपको यहाँ पर 100 रुपए का कैशबैक, दूसरे पेमेंट पे 150 रुपए का कैशबैक, तीसरे पेमेंट पे 250 रुपए का कैशबैक, ऐसे करके 500 रुपए का पूरा यहाँ पर कैशबैक दिया जाएगा। देखो, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा। देखो, मैं अभी आपको इस वीडियो में एक चीज और बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, अदरवाइज आप बाद में कमेंट करेंगे। यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, जब आप 20,000 रुपए ट्रांसफर करने जाएंगे ना, तो आपसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, 340 रुपए का चार्ज मांगेगा एक ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। और हो सकता है 340 की जगह पे 370 रुपए भी किसी यूजर से मांगे, क्योंकि मैंने 3 अकाउंट में ट्राई किया तो मेरे एक अकाउंट में 370 रुपए भी दिखा रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 340 रुपए ट्रांजेक्शन का चार्ज लगेगा। तो ऐसे करके 3 ट्रांजेक्शन जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको देने पड़ेंगे 1020 रुपए का चार्ज, ठीक है। अभी आपने बोला था फ्री में, तो भैया फ्री भी बताने वाला हूँ कैसे होने वाला है। 500 रुपए एज अ कैशबैक के रूप में आपको पेटीएम दे देगा। 60,000 रुपीज आपने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे, उसके लिए आपको 1% मिलेगा। 1% कैसे मिलेगा, कौन कौन से कार्ड पे मिलेगा, भैया यहाँ पे वन कार्ड का ये क्रेडिट कार्ड है, इसको यदि यूज करते हो तो 101% मिलेगा। मैंने खुद ने पर्सनली काफी टाइम इसे यूज किया, काफी बार मुझे इससे मिला है। और उसके अलावा यहाँ पर चलते हैं, तो ये SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, इसे यूज करेंगे तो आपको 101% मिलेगा। इसके अलावा अमेजन पे का जो ये ICICI क्रेडिट कार्ड है, इसे यूज करेंगे तो 101% मिलेगा। अभी बात आती है कि भैया ये मान के चलो 60,000 रुपए आपने ट्रांसफर करे, तो 600 रुपए एज ए कैशबैक के रूप में 1% में आपको मिल गए। तो यानी 500 और 600 1100 रुपए लगे कितने थे, 1020 रुपए। और अगर 370 रुपए भी लगते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिचुएशन पे आप आ गए। क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर आपका हो गया फ्री में, केवल और केवल कुछ छोटे से टास्क पूरे कंप्लीट करने से। अभी बात आती है एडिशनल बेनिफिट, आपको 500 रुपए का मिल सकता है। वो 500 रुपए का एडिशनल बेनिफिट कैसे मिलेगा, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जुपिटर के मेरे पास पर्सनली खुद के पास 3-3 बैंक अकाउंट है। घर में सभी के मैंने जुपिटर के बैंक अकाउंट खोल रखे हैं। क्यों खोल रखे हैं भैया, मैं फालतू में तो नहीं खोल रखे ना, कुछ तो बेनिफिट मिल रहा होगा ना। जुपिटर में अपना अकाउंट अभी के अभी खोलिए, अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके अपना अकाउंट बना लीजिए। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाते हैं ना, एक रेफर कोड डालने के लिए बोलेगा, उस रेफर कोड को यदि आप डालते हैं ना, उसके बाद आपको क्या करना है, अमेज़न पे जाइएगा, कोई भी 1000 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर करिएगा। ऑर्डर करते समय पहले जुपिटर में आपने 1000 रुपए ऐड कर लीजिएगा, बेसिकली सेविंग अकाउंट है, लाइफ टाइम फ्री सेविंग अकाउंट है। 1000 रुपए जुपिटर में आप ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद 1000 रुपए ऐड करने के बाद अमेज़न पे कुछ भी ऑर्डर कर दीजिएगा, 1000 रुपए के आसपास का कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह, और उसके बाद आपको तुरंत 500 रुपए आपको अपने जुपिटर अकाउंट में मिल जाएंगे। कैसे देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, 2500 ज्वेल्स मिलेंगे। अब ये ज्वेल्स जो होते हैं ना, वो आपको इंस्टेंट रिडीम कर लीजिएगा, 500 रुपए आपके जुपिटर अकाउंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे फायदा खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी फायदा मिलेगा। अभी और फायदा कैसे मिलेगा, यहां पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब भैया ये इस क्रेडिट कार्ड से निकाले हों, चाहे वो मैंने इस क्रेडिट कार्ड से निकाले हो, चाहे मैंने इस वाले क्रेडिट कार्ड से निकाले हो, जिससे भी मैंने पैसा निकाला हो, किसी और से भी निकाला हो, ठीक है, तो भैया यहाँ पर मुझे इसका पेमेंट भी तो करना है। जो जब पेमेंट करने जाएंगे तो आप मोबीक्विक का यूज करिएगा, मोबीक्विक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं ना मोबीक्विक के थ्रू, तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और डेबिट कार्ड वाले सेक्शन पे जाकर जुपिटर का जो अकाउंट है ना, उससे पेमेंट कर दीजिएगा। देखो, मैंने यहाँ पे आज ही 10,000 रुपए का एक पेमेंट किया,
जिसपे मुझे 500 ज्वेल्स मिले, 500 ज्वेल्स का वैल्यू होता है 100 रुपीज, यानी 1% का प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 60,000 रुपए का पेमेंट अगर आप 2-3 जुपिटर अकाउंट खोल के करते, एक अकाउंट में मैक्सिमम 750 ज्वेल्स ही ले सकते हो आप सभी लोग, तो अगर 2-3 अकाउंट भी अगर आप खोल लेते हो तो आपको 200-400 का बेनिफिट वहां से हो जाएगा, 500 रुपए जुपिटर का अकाउंट खोलने पे आपको मिल गए, क्रेडिट कार्ड और बैंक ट्रांसफर आपका 60,000 रुपए होगा। इससे बढ़िया क्या लोगे यार, 5 मिनट में मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया, उम्मीद करता हूं आपको जरूर से सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा, हर एक यूजर को मैं रिप्लाई देता हूं कमेंट में, आप सभी लोग कमेंट करिएगा, वीडियो आप जरूर से लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।